बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल जवेद वॉइस में मैं अपने तमाम सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की नई अपडेट डनमेक सर्वे के हवाले से है, जो हुकूमत पाकिस्तान एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जो इसी साल जनवरी में ही शुरू किया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट बेनज़ीर इनपुट सपोर्ट की तरफ से एक पैगाम मिला है, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुल्क में गुरबत की शरह में इजाफा हो चुका है, इसीलिए बेनज़ीर इनपुट सपोर्ट डनमेक सर्वे का आगाज़ कर रहा है, ताकि मुस्तहिक लोगों को बेनज़ीर इनपुट सपोर्ट में शामिल किया जा सके। वफाकी वज़ीर फैसल करीम कुंडी। आप सबको पता है, ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया जा चुका है कि क्योंकि गुरबत का स्कोर ज़्यादा है और बहुत से लोग जांच पड़ताल में और नाअहल हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रही है, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब ये प्रोग्राम ख्वाजा सराओं को भी शामिल करने का फैसला किया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में शामिल करने का आगाज़ हो चुका है। ख्वाजा सरा से गुजारिश है कि बेनज़ीर दफ्तर में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करें। फैसल करीम कुंडी। और मोहम्मद इरफान अली साहब, बेनज़ीर प्रोग्राम में गरीब लोगों की रजिस्ट्रेशन कब की जाएगी, ये प्रोसेस कब शुरू किया जाएगा, तो उसके हवाले से उन हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से फिर उसको जवाब मिला कि डनमेक सर्वे का आगाज़ जल्द ही इसी माह में तहसील की सतह पर शुरू किया जाएगा। जब इस प्रोग्राम का प्रोसेस शुरू किया जाएगा तो मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, और इस प्रोग्राम में बहुत से दोस्त जो जांच पड़ताल में हैं या वो नाइल हैं या नए हैं, जिनको अब तक कोई एसएमएस का जवाब नहीं मिला और कोई किस्त भी नहीं मिली, तो हुकूमत पाकिस्तान इसी प्रोग्राम में ही उन दोस्तों को शामिल करेगी। और जिनका गुरबत स्कोर 32 है, उनका गुरबत स्कोर 37 कर दिया जाएगा, और इस प्रोग्राम की नई अपडेट इसी ही माह में दी जाएगी। और जब ये तारीख दी जाएगी तो आप सब दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपने मेरे यूट्यूब चैनल जवेद वॉइस को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।